उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनावी मैदान में राजनीतिक दल अपने पैतरों को आजमाने के लिए तैयार हो चुके हैं। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कई हॉट सीटें भी शामिल हैं। इन्हीं में से एक है मैनपुरी की करहल सीट, जहां पर सियासी संग्राम होने वाला है। बता दें कि मैनपुरी जिले में होने वाली करहल सीट यूपी की राजनीति में हमेशा से ही एक हाईलाइट जगह बनी रही है। बता दें कि साल 1956 के परिसीमन के बाद करहल विधानसभा सीट बनी थी और साल 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पहलवान नत्थू सिंह यादव पहले विधायक बने थे। उसके बाद 1962, 1967 और 1969 में स्वतंत्र पार्टी, 1974 में भारतीय क्रांति दल और 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर नत्थू सिंह, 1980 में कांग्रेस के शिवमंगल सिंह ने जीत हासिल की थी। उसके बाद जातिगत बयार के कारण 1985 से 1996 तक बाबूराम यादव ने इस सीट से चुनाव जीता था। करहल विधानसभा में जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां कुल मतदाताओं की संख्या 371,241 है। इनमें 201,394 पुरुष, 169,851 महिला और अन्य श्रेणी शामिल है। कुल मतदाताओं में से 40% यादव समुदाय से आते हैं। इसी तरह 17% मतदाता अनुसूचित जाति, 13% शाक्य, 9% ठाकुर, 7% ब्राह्मण, 6% अल्पसंख्यक और अन्य जाति और समुदाय के 8% मतदाता हैं। ऐसे में सीट पर यादव मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2022 में अखिलेश यादव करहल से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद बने और फिर उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। यह सीट अब समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव का गढ़ बचाने वाली सबसे जरूरी सीट बन गई है। बीजेपी के लिए भी यह सीट बेहद अहम है। इस सीट को जीतकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण बिगड़े माहौल को ठीक करने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। इसलिए करहल सीट पर होने वाले चुनावी मुकाबले को बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर वाला माना जा रहा है।